गया होगा एसपी साहब का, एसपी साहब के पास पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं बताएंगे ना सर, हैं नहीं तो बोलते हैं कि हम मोबाइल का निकाले हैं सीडीआर, तो वही हमको दिखा दें कि हाँ निकाले हैं, मोबाइल ऑन है या नहीं है, बस हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। नहीं तो मजबूरन है, मेरे पास मजबूरी है सर कि हम प्रशासन और सरकार दोनों को अल्टीमेटम देंगे, हम रोड जाम करेंगे, मजबूरी है मेरे पास, कोई ऑप्शन नहीं है, हम रोड पर रह रहे हैं सर, अभी रोड पर एकदम, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे गांव कहीं जाने वाले हैं इनसे पूछ सकते हैं कि हम रोड पर रह रहे हैं, ठीक ना। क्या नाम था आपके बच्चे का? तनिष्क राज। अच्छा का भी फोटो है तो सर? अभी आप पटना लगातार आ रहे हैं, प्रशासन के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं दिया? नहीं सर, और एसपी साहब भी गए तो वहाँ के एक आधुआ स्टाफ हैं जो कहते हैं कि तुमको बोलने का तमीज़ नहीं है, बताइए सर मेरा सब कुछ लूट गया, हमको बोलते हैं कि बोलने का तमीज़ नहीं। पटना की सड़कों पर इंसाफ की बात जो रहे, एक मुसाफिर जो कुरथौल का रहने वाला है, हाथ में तमाम पेपर लिए इंसाफ की इंतज़ार में पटना की सड़कों को नाप रहे हैं। इनके बेटे का रोड एक्सीडेंट हुआ था, 6 साल का इनका मासूम बेटा ओवर स्पीड गाड़ी के चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इनके घर पर तमाम नेताजी पहुँचे, अखबारों की सुर्खियाँ बनी वो खबर, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया और आज तक वो ड्राइवर फरार है। आंख में आंसू लिए एक पिता अपने 6 साल के मासूम बच्चे के लिए इंसाफ को ढूंढ रहे हैं और पटना के तमाम कानून के दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और कुरथौल के रहने वाले हैं, परसा बाज़ार थाना पड़ता है। थाना परसा बाज़ार पड़ता है जी। क्या कुछ घटना आपके साथ हुई है और अब तक क्या कार्रवाई हो रही है? घटना हुआ सर कि 4.5 महीना पहले मेरे बच्चा को गाड़ी वाला गांव के ही सड़क पे रौंद के भाग गया और बच्चा को बुढ़िया ने एकदम लूट करके हॉस्पिटल में पहुंचा के और भाग गया, और उसके बाद से केस किए तो अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, उल्टा थाना से भी हमको धमकी दिया जाता है और कहते हैं कि हम मोबाइल का रिकॉर्ड अथी किए हैं, जांच कर रहे हैं, हम पकड़ने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल दिन बीत गया है इस घटना से? हाँ, मोबाइल बंद है ऐसे बोलते हैं, 4.5 महीना बीत गया सर। 4.5 महीना। अच्छा, जब ये घटना हुआ था जी सर, आपके घर पे कौन कौन आए थे? मेरे यहाँ राम कृपाल यादव जी आए थे। क्या बोले थे उस समय? बोले कि सब कुछ होगा, ड्राइवर पकड़ाएगा, गाड़ी पकड़ाएगा, आपको न्याय मिलेगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए ये अखबार की कटिंग भी इनके पास है जो उस समय जो है परसा बाज़ार में 7 साल के बच्चे को कार ने रौंदा। देखिए पूरी तरह से एक बड़ी सी खबर अखबार ने भी इसको छापा है और तमाम तरह की सुर्खियों में उस दिन की ये खबर रही। देखिए ये गाड़ी का जो है नंबर प्लेट है, गाड़ी की फ़ोटो है, बकायदा इनके पास वो तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। देखिए ये है वो ड्राइवर जिसने ओवर स्पीड गाड़ी चलाई और उस बच्चे को टक्कर मार दी। तो आपका बच्चा कितने साल का था? 6 साल का था सर। अच्छा, ये ड्राइवर कहाँ का रहने वाला है? वहीं आधा किलोमीटर दूरी पर रहता है, कुरथौल में ही। अच्छा, और कहते हैं सर कि थाना कहते हैं कि हम उसका मोबाइल का अथी कर रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं, मोबाइल देखिए सर उसका ऑन है सर, हम बात किए हैं, उसका रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाते हैं सर, ड्राइवर से बात हुआ है वो। मतलब आप लगातार ड्राइवर से बात कर रहे हैं लेकिन थाना कह रही है कि मोबाइल बंद है? हाँ जी सर। जो का नाम क्या है आपके थाना का, जो आईओ है? संजय आईओ है, केस के हैं, उनका नाम है केएन सिंह। अच्छा, थाना पर जाकर आप बोलते नहीं है कि इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है? थाना पर हम गए थे सर, लेकिन केएन सिंह फ़ोन से बात हुआ एक बार तो हमको बोलते हैं कि तुम्हें को महंगा पड़ जाएगा, और थाना पर जाते हैं तो वहाँ के जो SHO हैं संजय यादव वो कहते हैं कि तुमको थाना में आकर बैठना है तो बैठो, कुछ नहीं होगा। तो देखिए सर अभी 2 मिनट पहले वो बात किया है सर, ड्राइवर हाँ देखिए किसी से बात कर रहा था अभी, दो मिनट पहले बात किया है, ठीक ना, इसका रिकॉर्डिंग हम सुनाते हैं जो मेरे से बात हुआ है सर। क्या नाम है ड्राइवर का? रौनित राय नाम है, भोला भोला सब कहता है उसको गाँव में, और उसका हम रिकॉर्डिंग आपको सर सुनाते हैं कि बात हुआ है, और कहते हैं थाना कि हमको उसका मोबाइल ऑफ है तो, लेकिन सर इसका मोबाइल हमेशा चालू है, अभी भी चालू है सर अभी। अच्छा, जैसे रोड एक्सीडेंट का ये मामला है, तमाम नेताजी लोग आपके यहाँ पहुँचे थे, मुआवजे की बात भी हुई होगी? जी सर, मुआवजा मिलेगा? बोले कि मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, मृत्यु प्रमाण यहाँ पटना में किस किस से मिले हैं आप? पटना में हम सर मिल लिए हैं
डीएसपी साहब से मिल लिए, एसएसपी साहब से मिल लिए, पूर्वी एसपी साहब से मिल लिए, पहले जो थे पूर्वी एसपी साहब उनसे भी, और जो पहले एसएसपी साहब थे उनसे भी, और अभी जो दोनों हैं पूर्वी एसपी साहब एसएसपी साहब उनसे भी मिल चुके हैं, और डीजीपी साहब से भी मिल चुके हैं, लालू यादव जी से भी मिल चुके हैं, और वो कौन रविदास हैं उनसे भी बात हो चुका है हमें। तमाम राजनीतिक दरवाजे भी खटखटा चुके हैं, पुलिस के परापास भी जा चुके हैं एसएसपी के पास, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा हमें को धमकी दिया जा रहा है सर। देखिए ना सर, रिकॉर्डिंग है सर, सुनाते हैं रिकॉर्डिंग सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग हम ले लेंगे आपसे। तो ये बताइए कि आप जैसे एसएसपी डीजीपी सर के पास गए, एसएसपी सर के पास गए, वहाँ क्या बोले हैं वो? कहते हैं कि गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, क्या कुछ नहीं सर, कहते हैं कि पकड़ा जाएगा से हमार लेटर जाएगा से तब होगा, 15 दिन में लेटर जाता है, कोई कहते हैं 1 सप्ताह में लेटर जाता है। तो हम सर ये पूछ रहे हैं कि डीजीपी साहब का गया होगा एसपी साहब का, एसपी साहब के पास वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं बताएंगे ना सर? नहीं तो बोलते हैं कि हम मोबाइल का निकाले हैं सीडीआर, तो वही हमको दिखा दें कि हाँ निकाले हैं, मोबाइल ऑन है या नहीं है, बस हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। नहीं तो मजबूरन है, मेरे पास मजबूरी है सर कि हम प्रशासन और सरकार दोनों को अल्टीमेटम देंगे, हम रोड जाम करेंगे, मजबूरी है मेरे पास, कोई ऑप्शन नहीं है, हम रोड पर रह रहे हैं सर अभी, रोड पर एकदम, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे गाँव कहीं रहने वाले हैं इनसे पूछ सकते हैं कि हम रोड पर रह रहे हैं, ठीक ना? क्या नाम था आपके बच्चे का? तनिष्क राज। अच्छा, कभी फोटो है तो सर? अभी आप पटना लगातार आ रहे हैं, प्रशासन के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं दिया? नहीं सर, और एसपी साहब भी गए तो वहाँ के एक आध दूसरा स्टाफ हैं जो कहते हैं कि तुमको बोलने का तमीज़ नहीं है, बताइए सर मेरा सब कुछ लूट गया, अब हमको बोलते हैं कि बोलने का तमीज़ नहीं है, बताइए। थाना जाते तो थाना में आपके साथ बदतमीजी किया जाता है? जी सर, थाना तो अब हम जाएंगे भी नहीं सर, और प्रशासन के पास भी अब हम नहीं जाएंगे, लास्ट हम आपसे मिलने आए हैं सर, इसके बाद हम एक बार और मिलेंगे आप भी लोग से, और हम अल्टीमेटम देंगे कि हम रोड जाम करेंगे, उससे पहले अगर सरकार प्रशासन एक्टिव हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम मजबूरी है रोड जाम करेंगे, और सब जनता को रोड जाम करना पड़ेगा। मेरे पास सब चीज़ हम देख प्रूफ दे रहे हैं, फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा है, एफआईआर का कॉपी है, देखिए सर मेरे पास मृत्यु प्रमाण पत्र है, क्या नहीं है मेरे पास, सब चीज़ है, फिर भी नहीं कोई कार्रवाई किया जा रहा। देखिए सर ये है एफआईआर कॉपी, देखिए ये एफआईआर का कॉपी है, जब इनके बच्चे को ओवर स्पीड गाड़ी ने टक्कर मारी थी, 6 साल का इनका मासूम बच्चा, उनकी मौत हुई थी, ये बेऊर थाना ना? बेऊर थाना परसा बाजार थाना, मतलब पूरी तरीके से एफआईआर में तमाम बातों का जिक्र है, चालक का नाम दिया हुआ है, गाड़ी का नंबर दिया हुआ है, लेकिन आखिर वजह क्या हो पा रही है कि आज तक इनके गुनहगारों को पकड़ा नहीं गया, और आंखों में आंसू लिए ये मजबूर पिता कानून के तमाम दरवाजे खटखटा रहा है, ये मजबूर पिता थानों का चक्कर लगा रहा है, लेकिन थाने में इनकी गुहार को सुनी नहीं जा रही है, ये बस इंसाफ मांग रहे हैं और अपने बेटे के कातिल की गिरफ्तारी के लिए हर जगह हर चौखट पर आंसू लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन निराशा और आश्वासन के अलावा इनके हाथ आज तक कुछ नहीं आ पाया है। तस्वीरें क्या कुछ निकल कर आएंगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इन्होंने अल्टीमेटम देने का फैसला कर लिया है कि अगर इस मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती है और गुनहगार को सज़ा नहीं दिलवाती है तो ये सड़क जाम करेंगे, और इसके लिए ये मजबूर हैं। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज पर, इस खबर में इतना ही। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।